ये है एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 चैप्टर पेयर ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एनसीईआरटी बुक क्लास 10th। तो ये स्टेट की बुक में ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 में है और यही क्वेश्चन सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट। इस क्वेश्चन को हम आज के क्लास में सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को ये है 4x + 3y = 14, 3x - 4y = 23। तो इस क्वेश्चन को हमने रिड्यूस करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए आपको मैं यहां पर थोड़ा सा और समझाऊंगा इसको मैं कैसे रिड्यूस करता हूं। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखूंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगी। क्यों? इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1/x के साथ तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा। तो रिड्यूस करने के लिए मैं यहां पर इस 1/x को u लूंगा और इस 3y को ऐसे ही रखूंगा। तो इसको रिड्यूस करके मैं इसको सॉल्व करता हूं। मैं यहां पर लिखूंगा हियर लेट 1/x इज इक्वल टू यू। अब इसमें v क्यों नहीं लिया मैंने? क्योंकि यहां फ्रिक्शन में है नहीं हमारा वेरिएबल, डिवाइड में p/q की शक्ल में है नहीं, तो इसलिए मैंने यहां पर 1/x इज इक्वल टू यू, 1 वेरिएबल इज इन फ्रिक्शन पोर्शन। नाउ हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? 4u + 3y = 14 एंड 3u - 4y = 23। तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देता हूं, दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये दो इक्वेशन जो है इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। अब यहां पर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के जरिए से भी, एलिमिनेशन मेथड के जरिए से भी। तो मैं यहां पर इन तीन में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। मैं यहां पर इस क्वेश्चन के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा। तो एलिमिनेशन मेथड में हम इस फर्स्ट इक्वेशन को, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 से। तो जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन को हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। तो ये है एलिमिनेशन मेथड का रूल, जो कि मैंने आपको इससे पहले भी समझाया है कि कैसे हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो मैं लिखूंगा यहां पर मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट बाय 4, दिस 4 बाय दिस 4 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3, इस 3 से। व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दीज टू इक्वेशंस विल बिकम 16u + 12y = 4 × 14 = 56 and 9u - 12y = 3 × 23 = 69। तो इस इक्वेशन को मैं 3rd नाम देता हूं और इस इक्वेशन को मैं 4 नाम दूंगा। एलिमिनेशन मेथड में आपको मैंने इससे पहले भी सिखाया है कि जब ये मिडिल टर्म जिसको हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं, जब इसका सिग्नेचर अपोजिट होगा, प्लस और माइनस साइन अपोजिट होगा, उस टाइम हम इन दो इक्वेशंस को एडिंग करते हैं। मैं लिखूंगा एडिंग
equation third and equation four. Now we will add these two equations. We will get 16u plus 12y is equal to 56 and 9u minus 12y is equal to 69. This is line. Now this 12 cancel. 16u plus 9u is equal to 25u is equal to 56, 69, this will become 125, u is equal to 125 divided by 25, which is equal to 5 1s are 25, 25 5s are gives u is equal to 5. तो u का वैल्यू हमारे पास 5 है. अब हम इसको यूज करके y का वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड. यहां पर हम किसी भी इक्वेशन में इसको डाल सकते हैं. तो मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट में अब डालना है. अवर इक्वेशन फर्स्ट इज हियर 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14. नाउ आई विल राइट डाउन हियर 4 इंटू u, u इज इक्वल टू 5, 3y इज इक्वल टू 14 एंड दिस विल बिकम 3y is equal to 14 minus 20. 3y is equal to 14 minus 20 minus 6. Y is equal to minus 6 divided by 3, which is equal to minus 2. It means y is equal to minus 2. तो हमने y का वैल्यू निकाला. Now we are required to find out the value of x. We find out the value of y. Now we will find out the value of x. Here x is equal to 1 by x is equal to u. I will repeat this here. Here in our question, u is equal to 1 by x. In our question, u is equal to 1 by x. It means 5 is equal to 1 by x. 5x is equal to 1. Cross multiply, x is equal to 1 by 5. It means the value of x is equal to 1 by 5. तो हमने कैलकुलेट किया x का वैल्यू भी और y का वैल्यू भी. x is equal to, मैं लास्ट लाइन पर लिखता हूं, therefore x is equal to 1 by 5 and y is equal to minus 2. This is the solution of this pair of linear equation. This was our question number 1 third part, जिसको हमने सॉल्व किया. तो यहां पर आप इसको एलिमिनेशन मेथड भी मैंने इस्तेमाल किया, एलिमिनेशन मेथड. आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो यहां पर. तो इसको मैंने आपको इजीली समझाया कि इस क्वेश्चन को कैसे रिड्यूस करके हम सॉल्व कर सकते हैं.